हेलो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू कंटिन्यू एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इ थ्री पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के और हमें प्रूव करना है कि ये इैशनल हैं कॉन्ट्राडिक्ट्री मेथड से प्रूव करेंगे और यानी कि उल्टा सपोज करेंगे लेट वन बाय रूट टू बी रैशनल हमें इसको रैशनल सपोज करना है लेट वन बाय रूट टू बी रैशनल दैट इज रैशनल मतलब वन बाय रूट टू को ए b बी फॉर्म में लिखा जा सकता है राइट right? आपने पढ़ा हुआ पी की फॉर्म में तो मतलब वन बाय रूट टू को हमने सपोज कर लिया कि फिर इसका मतलब अगर रैशनल है तो ये ए बाई बी लिखा जा सकता है और हाँ साथ में ये भी सपोज किया क्या Where a एंड बी are co-primes and b is not equal to जीरो B not equal to जीरो क्यों लिखा क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आता कभी अब जब इस तरह के क्वेश्चन प्रूव करने हो देखिए जब सिर्फ रूट फाइव प्रूव करना था अपने फर्स्ट क्वेश्चन में तब तरीका अलग था अगर डायरेक्ट स्केयर रूट प्रूव करना हो तो वो मेथड लगाना है उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आ जाए जैसे हमने सेकेंड क्वेश्चन किया वैसे ही अब इसी के तीन पार्ट करेंगे सारे सेम मेथड से ही करेंगे लेफ्ट साइड में वन बाय रूट टू बना मुझे इसकी जगह पे लेफ्ट साइड में सिर्फ रूट टू बनाना है कैसे बना सकता हूँ दो मेथड है पहला मेथड वन बाय रूट टू को रैशनलाइज कर लो तो अंडर रूट टू बन जाएगा दूसरा मेथड दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो आपकी इच्छा है दोनों मेथड लगा सकते हैं ठीक है हम यहाँ पर रेसिप्रोकल ही ले, ले लेते हैं टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ sides. देखो इससे क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड में रूट टू ऊपर चला जाएगा इधर बी ऊपर ए नीचे आ जाएगा राइट right? तो रूट टू इज इक्वल टू बी अपोन ए अब देखो सिंस ए एंड बी ए और बी दोनों क्या हैं? दे आर इंटीजर्स ये ध्यान से देखने वाला काम है कि देखो जी A और बी दोनों इंटीजर्स हैं इसका मतलब बी अपॉन ए क्या है रैशनल हो गया अगर ये बी और ए दोनों इंटीजर्स हैं तो बी अपॉन ए रैशनल होगा अब बी अपॉन ए इक्वल है किसके रूट टू के दिस इंप्लाइज रूट टू मस्ट बी रैशनल रूट टू मस्ट बी रैशनल कहने का मतलब कि अगर बी बाई इ रैशनल है तो फिर पक्का है रूट टू क्या होगा रैशनल होगा विच इज नॉट करेक्ट जो कि गलत है विच इज नॉट करेक्ट एज वी नो दैट हमें पता है क्या पता है वी नो दैट रूट टू इज इैशनल यानी कि जो हमने सपोज किया था वो गलत सपोज किया था क्योंकि ये सपोज करने से तो रूट टू रैशनल बन रहा है देअ फोर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग जो हमने सपोज किया था गलत सपोज किया था हें वन बाय रूट टू इज इेशनल तो ये क्या होगा इ होगा बिल्कुल देखो सेकेंड क्वेश्चन जैसे ही हमने स्टेप्स यूज किए हैं अब नेक्स्ट देखते हैं जैसे है नेक्स्ट पार्ट है सेकेंड पार्ट सेवन रूट फाइव ध्यान से देखिएगा ये है सेवन रूट फाइव तो हमने क्या करना है यहाँ पर सपोज कर लेना है लेट सेवन बाय सेवन रूट फाइव बी रैशनल दैट इज अब ये वन बाय रूट टू लिखा था तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा सेवन रूट फाइव सेवन रूट फाइव इज इक्वल टू ए बाई बी बाकी स्टेप सेम अब टेकिंग रेसिप्रोकल नहीं करेंगे यहाँ पर राइट right? तो यहाँ पर क्या स्टेप आएगा बस इनको ध्यान से देखिए ज़्यादा चेंजेस नहीं है हमने ये किया था कि लेफ्ट साइड में सिर्फ अंडर उटर की वैल्यू रखनी है ना, तो यहाँ से रूट फाइव की वैल्यू निकाल लो सेवन नीचे ले आओ फिर लिखो सिंस ए बी एंड सेवन आर इंटीजर्स जितनी वैल्यूज राइट साइड में आ रही हैं ए आ रहा है बी आ रहा है सेवन आ रहा है तीनों लिख लो सिंस ए बी एंड सेवन आर इंटीजर्स, देयर फोर इसका मतलब राइट right साइड में जो कुछ भी है यानी कि ए अपॉन सेवन बी है वो क्या होगा रैशनल होगा अगर ए अपॉन सेवन बी रैशनल है तो ये तो इक्वल है रूट फाइव के इसका मतलब ये रूट फाइव क्या होना चाहिए रैशनल होना चाहिए विच इज़ नॉट करेक्ट एज वी नो दैट रूट फाइव इसकी जगह पर रूट फाइव कर देते हैं रूट फाइव इज इैशनल देयर फॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग हैंस सेवन रूट फाइव इज इैशनल देखिए बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं सेकेंड क्वेश्चन भी इसी स्टेप से फर्स्ट पार्ट भी सेकेंड पार्ट भी अभी थर्ड पार्ट भी देखते हैं थर्ड पार्ट है सिक्स प्लस रूट टू देखते हैं क्या चेंज आता है सिक्स प्लस रूट टू सिक्स प्लस रूट टू को अब रैशनल स्पोज कर लेना है देखते हैं कैसे सेम मेथड लेट सिक्स प्लस रूट टू बी रैशनल अगर सिक्स प्लस रूट टू को रैशनल स्पोज करते हैं तो सिक्स प्लस रूट टू को ए अपॉन बी लिखना पड़ेगा फिर हमने आपसे क्या कहा कि जी लेफ्ट साइड में सिर्फ स्केयर रूट वाली वैल्यू रखनी है बाकी सब तो राइट right साइड में ले जाना है आपने तो यहां पे क्या होगा स्केयर रूट ऑफ टू तो लेफ्ट में रखिए अब ये क्रॉस नहीं होगा मल्टीप्लाई ये सिक्स के ट्रांसपोज होगा माइनस सिक्स आ जाएगा आगे लिखेंगे सिंस ए बी एंड सिक्स वैल्यूज तो तीन ही है ना राइट right साइड में आर इंटीजर्स देयरफॉर अब यहाँ पर ए पॉइंट सेवन भी नहीं आएगा राइट right साइड में अब क्या है हमारे पास हमारे पास राइट right साइड में है ए बाई बी माइनस सिक्स देर फोर ए बाई बी माइनस सिक्स इज रैशनल अब इसका मतलब अब मेरे पास क्या है रूट टू है लेफ्ट साइड में दैट मीन्स रूट टू मस्ट बी रैशनल विच इज़ नॉट करेक्ट एज वी नो दैट रूट टू इज इैशनल देर फोर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग स लास्ट में क्या लिख देंगे जो हमें प्रूव करना था हैंस सिक्स प्लस रूट टू हैंस सिक्स प्लस रूट टू इज इैशनल तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन हैं मुश्किल नहीं हैं हमने तीनों क्वेश्चन कर लिए हैं आई होप अब आपको एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री अच्छे से समझ आ गई है कल हम नेक्स्ट वन पॉइंट फोर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे थैंक यू